वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा भी कामना करता हूँ आप सभी भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा बीपीएल महाधमाका, मकान मरम्मत, बीपीएल राशन कार्ड, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, ओनली उसका बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। 80,000 रुपए की सब्सिडी मकान मरम्मत के नाम पर हरियाणा प्रदेश सरकार देने जा रही है। पहले भरे गए थे अब से छः, जब नए बीपीएल आए थे जनवरी में 6 माह पहले, मैंने तब भी आपको बताया था और आज ही इसकी साइट शुरू हुई है, आज इसके आवेदन फॉर्म शुरू हुए हैं दोबारा। वो पैसा डल गया जनवरी वाला, वो जब पैसा आया था तब भी मैंने बताया था, अब आवेदन दोबारा शुरू हो गए हैं, आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। A to Z एक एक जानकारी दूंगा, ऐसा नहीं है टोटली कागज बता के जाऊंगा आपको, फार्म बता के जाऊंगा, फार्म कैसे भरना है वो बता कर जाऊंगा, सब कुछ, कोई जानकारी छूटेगी नहीं, कोई जानकारी बचेगी नहीं। साथियों पूरी वीडियो देख लेना, कोई डाउट नहीं बचेगा। और जिसको ये फार्म भरवाना है अपना डॉक्यूमेंट्स दे देना, ये नंबर है, आप इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सअप अपने डॉक्यूमेंट्स आप भेज देना साथियों। ये नंबर है 9991810589, ये नंबर है जो इसका 150 रुपये बनता है, वो पैसा आपको वो डालना इसको पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स इसको डाल देना है साथियों, व्हाट्सएप पर डाल देना है आपको 9991810589। CSC सेंटर्स वाले वो हैं, बिल्कुल विश्वसनीय हैं, मेरी टीम के मेंबर हैं, आप इन्हें मुझे समझकर अपने डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं आप, नो टेंशन रहना। तो साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा धमाके पर चलते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा में केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा में केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, वो सबसे सटीक सबसे विश्वसनीय देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, यहाँ नोटिस जो हरियाणा सरकार का आदेश सबसे पहले डलते हैं, वरना आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से ना पहुंचा जाए तो वाईएम योजना हरियाणा टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, मेरा फोटो जिस ग्रुप में आप जुड़ जाना। ये दोस्तों इसका वो है, फिर ये इसका आवेदन फॉर्म है, फिर इसके ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, फार्म ऑनलाइन भरना पड़ेगा, लेकिन पहले ये फार्म निकलवाना आपको पड़ेगा साथियों। तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण इसका योजना का नाम है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। पहले इसका बता देता हूं थोड़ा, पहले ये जो थी डॉक्टर भीमराव आवास अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी बीपीएल परिवारों को, अब सभी बीपीएल परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दिया जा रहा था, अब सरकार ने इसे सभी बीपीएल परिवारों को कर दिया है। पहले इसका लाभ इस योजना का सिर्फ और सिर्फ जो अनुसूचित जाति SC के जो थे लोग थे सिर्फ उनको मिलता था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया। और ये लास्ट टाइम जब भरे गए, जब भी जनरल वगैरह के लिए सबके लिए वो था, 2023-22 के लास्ट में इसका जो नोटिफिकेशन बकायदा प्रदेश सरकार ने निकाला था, जिसमें सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों को शामिल कर दिया, सिर्फ बीपीएल होना चाहिए, 80,000 मकान मरम्मत के मिलेंगे साथियों। इसमें आगे मैं बताऊं, उपायुक्त अजय कुमार ने बताया हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना से अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग सहित अन्य वर्गों के सभी बीपीएल परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है, यानी बीपीएल उसका होना चाहिए चाहे वो किसी धर्म जाति से हो। योजना के तहत ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, मैं बताऊंगा। योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा SCBC.gov.in वेबसाइट है, हरियाणा SCBC.gov.in वेबसाइट है साथियों, वहाँ जो है वहाँ जाके ये फॉर्म भरा जाएगा। बाकी आपकी इतना रिस्क ना लेना है, आपको ज़्यादा वो नहीं करना है, ये नंबर 9991810589 इस नंबर पर हमें डॉक्यूमेंट भेज देना है, लेकिन आप देख लो आगे इस पर जो है हरियाणा SCBC.gov.in इससे आपको फार्म डाउनलोड कर लेना है, वो वाला फार्म, ठीक है, अपने वो वाला फार्म डाउनलोड करके वो भर के मैं बताऊंगा आगे ये फार्म, और वरना वो जो CSC वाला साथी है वो व्हाट्सअप कर देना, वो आपको ये दे देगा ये फार्म। फॉर्म के ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने अनिवार्य है, उसके बाद ये फॉर्म अपने नज़दीकी CSC सेंटर से ऑनलाइन करवाना होगा। तो ये सब हो गई किताबी बातें। योजना का लाभ लेने के लिए फैमिली ID की जरूरत पड़ेगी, बीपीएल राशन कार्ड की फोटोकॉपी की जरूरत पड़ेगी, राशन कार्ड नंबर की जरूरत पड़ेगी, और साथियों SC BC यदि आप हो तो उसके सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी,
पड़ेगी, वरना एसईबीसी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी जिसके तहत आपको ये पैसा चाहिए, मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, साथ में घर के साथ फोटो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का लाभ, योजना का प्रमाण पत्र जैसे कागज आपको चाहिए। योजना की पात्रता, योजना की पात्रता यह आवेदनकर्ता का जो है वो होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, अब समझ लेना साथियों, अब मैं ए टू जेड इसको समझा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, अपने सीएससी सेंटर पर चले जाना है, वहाँ आपको ये फार्म निकलवा लेना है, आपको ये फार्म आपको निकलवा लेना है, ये फार्म आपको निकलवा कर करना कुछ नहीं, नाम गाँव, यहाँ तहसील, यहाँ जिला लिख देना है, यहाँ जितनी आपको 80,000 रुपये आपको लिखना है, आप फिर ये जो आवेदक का नाम लिखना है, फिर पिता या पति का नाम, अगर राशन कार्ड आपका वाइफ के नाम से है तो वाइफ का लिखना है, यहाँ पिता का, उसकी पिता, अपनी वाइफ की पिता का नाम नहीं लिखना है, अपना नाम लिखना है पति के तौर पर साथियों, फिर परिवार के मुखिया का नाम लिखना है, फिर जाति लिखनी है, उसके बाद जो आप काम करते हो वो लिखना है, क्या फिर ये बताना है कि भाई आपने कभी इसके पहले तो इसका लाभ नहीं लिया है क्या, फिर इसमें बताना है कि भाई आप गरीबी रेखा से नीचे हो क्या, तो यहाँ फिर स्थायी पता, मकान नंबर लिखना है, गाँव, तहसील, मोहल्ला, डाकखाना, जिला लिख देना है। तो साथियों यहाँ आवेदक किस समय कहाँ लिखता है वो लिख देना है, तो यहाँ पूरा का पूरा नर्सरी क्लास का बच्चा भी ये फार्म आसानी से भर लेगा, यहाँ आपको कुछ छेड़ना नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये काम तहसील पर आपको चले जाना है साथियों, तहसील वाला जो है आपका ये मोहर लगा देगा, इसको वेरीफाई तहसील वहाँ जो है जो तहसील कल्याण अधिकारी है या उपाधीक्षक आंकड़ा सहायक है या फिर क्लर्क है, तहसील पर जाके पूछ ले मकान मरम्मत वाले पे कौन से उसके बाबूजी के साइन होंगे, किस अधिकारी के साइन होंगे, तो वो आपको बता देंगे इस कमरा में चला जाए, यहाँ ये साइन और मोहर लगा देगा। तो यहाँ जो है आपको इस पेज पर कुछ नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है, लेकिन पहले वो पहला पेज भरकर और ये वाला पेज भरकर यहाँ सरपंच के मेंबर के आपको साइन और मोहर करवा लेना है भाई, तब आपको तहसील जाना है। कभी आप पहले ही तहसील चले जाओ, पहले तहसील नहीं जाना है, पहले आपको करना क्या है, ये फार्म भर लेना है, ये वाला फार्म इतना भर लेना बस, इसको आपको छेड़ना ही नहीं है, इस फार्म से आपका कोई मतलब नहीं है। ये तीन का वो होते हैं पेज एक फार्म में, इस पर सरपंच का और नंबरदार का या मेंबर का आपको मोहर और साइन यहाँ टिकवा देनी है, फिर आपको तहसील जाना है और तहसील पर इस पर आपको साइन करवा के लाने हैं, वो खुद भरेगा इसको। तो साथियों फिर आपको करना क्या है, इसको भरवाने के बाद इस ये जब फार्म आपका भर जाएगा, ये आप सीएससी सेंटर से 10 रुपए में निकाल देंगे, वो आपको निकलवा लेना, कहीं भी फोटो स्टेट वाली दुकान से आपको ये निकलवा लेना। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फैमिली आईडी आपको चाहिए, आपको राशन कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, आपको अपना वो आईडी कार्ड, आधार कार्ड चाहिए साथियों, आपको जो है डोमिसाइल यानी हरियाणा रेजिडेंस जिसे कहा जाता है 100 रुपए में बन जाएगा, 100 रुपए में बढ़ा देते हैं, तुरंत बढ़ा देते हैं हरियाणा रेजिडेंट। जाति प्रमाण पत्र चाहिए यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आपकी घर की लाल डोरी की रजिस्ट्री हो तो ठीक, वरना कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, घर के गेट पर खड़े होकर फोटो लेना है, और इसकी आवेदन की जो अंतिम तिथि है 30 जून है। ये सभी कागज लेकर आपको और वो फार्म लेकर जब आप कंप्लीट कर दो, ये सभी कागज लेकर आपको जो है अपने सीएससी सेंटर पर चले जाना है, वो सारे कागज इनको जो है ऑनलाइन वो कर देगा, फिर ऑनलाइन वो फार्म भर देगा। सीधा ऑनलाइन फॉर्म सीएससी वाला नहीं भर पाएगा, तो सीएससी वाले के पास आपको पहले जाना है, ये वाला फार्म आपको मकान मरम्मत वाला फार्म निकलवाना है, ये भर लेना है, सीएससी वाला भर देगा, वैसे फिर पेन से भरवा कर सीएससी वाले पे आपको सरपंच के पास जाना है, सरपंच से मोहर लगवा कर आपको तहसील जाना है, तहसील से मोहर लगवा कर अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको फिर सीएससी सेंटर वाले के पास जाना है। आपको सीएससी सेंटर वाला जो है पूरा का पूरा साथियों इसका वो कर देगा, आपको ऑनलाइन इसको भर देगा, फिर वो भरेगा उसको ऑनलाइन जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाओगे। मैं इसको एक बार डॉक्यूमेंट्स फिर दिखा देता हूँ। फैमिली आईडी की जरूरत है, यहाँ फिर बीपीएल राशन कार्ड की जरूरत है, बीपीएल राशन कार्ड के ऊपर नंबर लिखा रहता है, एससीबीसी प्रमाण पत्र है तो वो, आधार कार्ड, बैंक खाता और भाई आपका मोबाइल नंबर, बैंक की फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल बैंक की कॉपी ले जानी है वो स्कैन करेगा सीएससी वाला, मोबाइल नंबर और घर के साथ फोटो और मकान मरम्मत का जो मकान अनुमानित खर्चे का वो है वो आपको जो है वो करना है। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, ए टू जेड जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। 30 जून आवेदन की अंतिम तिथि है, 80,000 रुपये, और इसमें दलाल बहुत घूमते हैं, मेरे को संपर्क कर लेना, उन दलालों का इलाज करवाने का काम किसी भी जिले का हो, सब विजिलेंस का नंबर है, इलाज करवा दूंगा। जो ये दलाल कहते हैं कि
30 दे दे, 50 दे दे, 60 दे दे, 70 दे दे। बहुत दलाल आपको तहसीलों में मिल जाएंगे इसके, बहुत दलाल आपको अपने सीएससी सेंटर वाले मिल जाएंगे। ये डकैत और दलाल हैं, इन दलाल और डकैतों का इलाज करना मेरा फर्ज व दायित्व कर्तव्य बनता है। सरकार से इनका सबका इलाज करवा दूंगा, इनका नाम गाम एड्रेस दे देना, वहीं से उठवा दूंगा अगर ये डकैती करते हैं, दलाली करते हैं। सरकार ईमानदारी से सारा काम कर रही है, आप तक पूरा का पूरा 80,000 पैसा पहुँचना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।